हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में बिटकॉइन जो है काफी हद तक रिकवरी दिखाया है। बीच में थोड़ा बहुत डिप भी गया था, लेकिन रिकवरी दिखाया है। एंड साथ ही साथ बाकी के ऑल्ट कॉइन्स भी काफी तेजी से ग्रोथ दिखाया है, स्पेशली इथीरियम। दोस्तों, तो देखेंगे आज के वीडियो में कि आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या हो सकता है दोस्तों मार्केट में। तो दोस्तों, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एंड अगर इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, इससे पहले आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा है, मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी। कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, तो उस पर्सन को आप सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रहोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। और हर रोज की तरह सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन के डोमिनेंस चार्ट पर कल जो है परसों के मूव के बाद जो कंटिन्यूसली जो ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ था, उसके ठीक अपोजिट कल हमारा कैंडल क्लोज हुआ। यानी कि जितना हम ऊपर कल परसों क्लोज हुए थे, उतना ही नीचे हम कल रेड कैंडल क्लोज किए हैं। दोस्तों, कुल मिला के बात यह है कि पैरेलल मोमेंटम जारी है। दोस्तों, ऑल दो आपका जो पोर्टफोलियो है वो आपका बिटकॉइन के टर्म में बढ़ता हुआ नजर आ रहा होगा, डॉलर के टर्म में थोड़ा बहुत रिकवरी जरूर देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि बिटकॉइन ने अभी थोड़ा बहुत रिकवरी दिखाया है। उसके बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं डोमिनेंस चार्ट पे। अगर आरएसआई की बात करें तो लगभग 26.85 के अराउंड में आरएसआई था। एंड कल के मूव के बाद थोड़ा बहुत नीचे चला गया था, अगेन से 23.90। लेकिन अभी फिलहाल जो है वापस से ये ग्रीन कैंडल बना रहा है। तो क्या हो सकता है आने वाले टाइम में? मेरा मानना है दोस्तों, आज भी हम 10 EMA को रिटेस्ट करेंगे, एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे जो साइडवेज एक्शन है वो जारी रह सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों, मंथ का क्लोजर आने वाला, और हो सकता है अगले 4 दिन में यानी 30 अप्रैल 2021 तक आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड मूव दिखाए मार्केट में, चाहे वो ग्रीन हो या फिर रेड हो। अनएक्सपेक्टेड मूव आ सकता है बिटकॉइन में स्पेशली, एंड उसकी वजह से बाकी के ऑल्ट कॉइन भी सफर कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देके रखिएगा मार्केट में, क्योंकि ये जो अनएक्सपेक्टेड मूव होगा वो हो सकता है पैनिक मोमेंटम क्रिएट करे टेम्परेरी बेसिस पे। तो ध्यान रखना मार्केट में। एंड गाइज, आपने अगर मेरे कहने पर अगर लॉन्ग टर्म में या फिर मिड टर्म में होल्ड कर रहे हो एंड ऑल सीजन के फिनिश होने का वेट कर रहे हो, तो गाइज अभी हमें और इंतजार करना होगा। ऑल सीजन अभी जस्ट स्टार्टिंग फेज में है, अभी खत्म नहीं हुआ दोस्तों, याद रखना। ये जो थोड़ा बहुत जो टेम्परेरी ब्रेक देखने को मिला था, वो जो है वो समझो कि ये आखिरी फेज था। एंड इसके बाद जो कमिंग वीक है, यानी कि इसी वीक ऑनवर्ड, स्पेशली एट द एंड ऑफ दिस वीक, उसके बाद से आपको काफी तेज मूव देखने को मिलेगा ऑल्ट कॉइन्स में। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं 1 आवर के चार्ट की। तो 1 आवर के चार्ट पे अगर मैं ले चलूँ, तो आपको दिखेगा कि डोमिनेंस लेवल पे कंटिन्यूसली जो है हमारा जो शॉर्ट पोजिशन बना हुआ है। एंड अभी हम नीचे से ऊपर की तरफ RSI लेवल टेस्ट कर रहे हैं, एंड जो अभी करेंट मूव दिखा रहा है, इट क्वाइट पॉसिबल कि हम आने वाले कुछ आवर्स में हो सकता है 52 का लेवल वापस से रीटेस्ट करें, एंड देन उसके बाद हम फिर से डाउनफॉल दिखाएं। दोस्तों, वही 4 आवर के कैंडल्स की बात करूँ तो 4 आवर के कैंडल्स पे कंटिन्यूसली 10 EMA जो है वो उसे रिजेक्शन दे रहा है, एंड बार बार फेल हो रहा है। लेकिन मेरा मानना है आने वाले कुछ आवर्स जो होंगे वो शायद हमें ग्रीन मोमेंटम दिखाएं, एंड हम वापस से 50 वाला जो लेवल है RSI का वो रीटेस्ट करें, एंड देन उसके बाद फर्दर हम डाउनवर्ड मूव दिखाएं एट द एंड ऑफ द डे। दोस्तों, वही 1 डे के चार्ट की बात करूँ तो 1 डे के चार्ट आपको मैंने दिखाई दिया कि हमारा जो RSI है वो RSI जो है वो मेंटेन है, पैरेलल मोमेंटम MACD जो है निग्लिजिबल बना हुआ है, एंड हमारा 10 एंड 20 में बहुत तेजी से नीचे आ चुका है। 10 EMA तो ऑलरेडी हमारा 52.28 के आसपास आ चुका है, वही 20 EMA जो है ब्लू लाइन के भी नीचे, यानी 53.49 के आसपास आ गया है। एंड आज का कैंडल अगर प्रॉपरली क्लोज होता है तो मोस्ट प्रोबेबली कल कल या कल के बाद दोस्तों जो हमारा 20 EMA है वो इस व्हाइट डॉटेड लाइन के नीचे आ जाएगा, जो कि काफी काफी फेवरेबल होगा ऑल्ट कॉइन के लिए दोस्तों। क्योंकि आज न्यू वीक स्टार्ट हो गया है, तो वीकली चार्ट की बात करूं तो वीकली चार्ट पे आपको देखने को मिलेगा कि कंटिन्यूसली जो डाउनफॉल है वो जारी है, एंड RSI में जो है थोड़ा बहुत पैरेलल मोमेंटम जरूर देखने को मिल रहा है हमें वीकली लेवल पे। लेकिन लेकिन हमारा 10 एंड 20 EMA जो है वीकली लेवल पे वो कंटिन्यूसली तेजी से नीचे आ रहा है दोस्तों, एंड इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ऑल सीजन जो है वो जारी है। एंड पिछला वीक जो था हमारा, ऑब्वियसली उससे प्रीवियस वीक हम इस वाइट डॉटेड लाइन के नीचे आए थे, प्रीवियस वीक हमने उसको रीटेस्ट किया, फेल हुए हैं, यानी कि अब हमें कंफर्मेशन मिल गया है वीकली चार्ट पे भी। एंड अब मेरा मानना है दोस्तों, अब काफी शार्प मोमेंटम दिखेगा डाउनवर्ड की तरफ, एंड इस ड्यूरेशन में हमें जो अगला टारगेट होगा वो 47 से लेके 46% तक के आसपास हमें ड्रॉप देखने को मिले बिटकॉइन का डोमिनेंस लेवल पे। और जब ऐसा होगा तो हमारा ऑल्ट कॉइन बहुत तेजी से ग्रो करेगा। दोस्तों, ये तो हो गया ओवरऑल डोमिनेंस लेवल के बेसिस पे मार्केट क्या कह रहा है। एंड गाइस, अब लेके चलता हूँ बिटकॉइन के चार्ट पे। बिटकॉइन के चार्ट पे आपको देखने को मिलेगा कि पिछले कुछ आवर्स में ऑब्वियसली काफी तेजी से मोमेंटम जो है शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है हमें। अगर मैं बात करूँ 1 आवर के चार्ट की, तो 1 आवर के चार्ट पर आपको ज्यादा क्लियरली पिक्चर दिखेगा कि आज जो है जब स्टार्टिंग हुआ है दिन का, आज जो है लगभग जो स्टार्टिंग हुआ दिन का हमारा ऑलमोस्ट जो कैंडल था वो 47,000 का लेवल, बॉटम लेवल टेस्ट किया है, एंड वहां से काफी तेजी से बाउंस बैक देखने को मिला। एंड ऐसा क्यों हुआ?
उसका रीजन है कि आरएसआई काफी ज्यादा ओवरसोल्ड चला गया था एंड अभी काफी तेजी से भी उसके कंसेक्यूटिव कई आवर्स लगभग 4-5 घंटे से कंटिन्यूसली ऊपर सर्ज हुआ है प्राइस। एंड अभी जो M60 65 के अराउंड का लेवल भी टेस्ट कर रहे हैं आरएसआई लेवल पे एंड वही मैकडी हमारा ग्रीन बना हुआ है। मेरा मानना दोस्तों बेस्ट कंडीशन में भी हमारा जो है लगभग लगभग 53 से लेकर 54,000, मेरा मानना है मैक्सिमम 53,145 डॉलर के आसपास जो है हमें देखने को मिल सकता है प्राइस एंड वहां से फिर से हमें रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। ऑल्दो इस प्राइस सर्च के बाद जो आपका 1 आवर के चार्ट पे उस पर ये मेरे इवन काफी हद तक ग्रीन बनने वाला है, लेकिन मेरा मानना है दोस्तों ये टेम्प्रेरी होगा एंड हो सकता है यहाँ से वापस से रिवर्सल देखने को मिले या फिर साइडवाइज एक्शन लेते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाए। दोस्तों 4 आवर के कैंडल्स की बात करूँ तो 4 आवर के कैंडल्स पे भी आपको दिखेगा काफी क्विक एंड शार्प जो है मोमेंटम ऊपर की तरफ आया है, लेकिन मेरा मानना अभी जो कैंडल ये वाला है ऑब्वियसली क्लोज हो जाएगा एंड अगले 15 मिनट्स में कैंडल क्लोज हो जाने के बाद जो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव कैंडल होगा दोस्तों वो मेरा मानना है रेडी होगा, भले हम टेम्परेरी बेसिस पे ऊपर जाएं लेकिन उसके बाद जो है यहाँ से हमें थोड़ा बहुत शिफ्ट देखने को मिलेगा वापस से डाउनवर्ड मोमेंटम एंड जो हमारा सपोर्ट जोन है वो काफी अच्छा काम कर रहा है एंड इसीलिए यहाँ पे काफी तेजी से बाउंस बैक देखने को मिला स्पेशली 47,000 के आसपास से। दोस्तों वही वनडे के चार्ट की बात करूँ तो वनडे के चार्ट पे आपको दिखेगा कि आरएसआई लेवल जो है बॉटम लेवल टेस्ट कर चुका है एंड वहां से जो है रिवर्सल हमें देखने को मिला बहुत शार्प। एंड मेरा मानना दोस्तों कि मैंने जो अभी आपको लेवल बताया 53,000 का लेवल स्टार्टिंग फेज से लेके 54,000 के बीच में, इस बीच में हमें हो सकता है रिवर्सल देखने को मिले एंड मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से फिर साइडवेज एक्शन जो है जारी रहेगा दोस्तों बिटकॉइन का। एंड याद रखना अगले 4 दिन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, प्राइस सर्च हो सकता है या फिर प्राइस काफी तेजी से डाउन हो जाते हुए भी दिख सकता है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा जो मार्केट में है संयम बना के रखना है एंड कोई भी मूव आता है एंड अगर कोई भी शार्प मोमेंटम आता है डेफिनेटली वो ऑल्टकॉइन को इम्पैक्ट करेगा, लेकिन ये याद रखना कि ये जो इम्पैक्ट है ये टेम्पररी है एंड जल्दी इसी वीक के एंड आते आते यानी कि इस वीकेंड के क्लोजर आते आते आपको देखने को मिलेगा काफी अच्छा खासा मूव दिखाएगा ऑल्ट कॉइन दोस्तों। वही वही वनडे के चार्ट पे आपको दिखेगा कि आरएसआई का लेवल वापस से ऊपर जाने लगा है, तो मैंने जो लेवल बताया उस पर नजर रखना है हमें एंड वहां से हम साइडवेज एक्शन मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वापस से हम 50,000 का लेवल रीटेस्ट करते हुए देख सकते हैं आने वाले कुछ आवर्स में या फिर आने वाले नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स में। दोस्तों ओवरऑल अगर वीकली चार्ट की बात करूँ क्योंकि ये वीकली क्लोजर हो गया है, तो अगर मैं वीकली चार्ट की बात करूँ तो हमारा जो वीकली कैंडल है काफी डाउनवर्ड मूव दिखाया है, लगभग 13% का ड्रॉप दिखाया है हमारे बिटकॉइन ने एंड अभी जो है हमें काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है एंड जो हमारा वीकली लेवल है आज का ऑब्वियसली लगभग 7% अप हो गया है, लेकिन मेरा मानना है दोस्तों अभी भी साइडवेज एक्शन जारी रहेगा इस थ्रू आउट द वीक एंड मोस्ट प्रोबेबली जो ये लेवल है 45,000 का लेवल वो हम रीटेस्ट कर सकते हैं 45,500 के लेवल के आसपास का लेवल। एंड मेरा मानना है दोस्तों हम ऑलरेडी 47,000 रीटेस्ट कर चुके हैं, सिर्फ 2,000 का डिफरेंस है, तो इट क्वाइट पॉसिबल कि आने वाले 4-5 दिनों के अंदर अंदर आपको इस लेवल को रीटेस्ट करते हुए देखने को मिल सकता है बिटकॉइन एंड उसके बाद ही जो है हम डिसाइड करेंगे कि हमें यहाँ से साइडवेज एक्शन लेते हुए ऊपर जाना है या नहीं। वीकली चार्ट पे आरएसआई भले हमें नीचे जाता हुआ दिख रहा हो, मैकडी हमें भले रेड दिख रहा हो, लेकिन दोस्तों ये सारा कुछ टेम्पररी है एंड मेरा मानना है 60 के आसपास का जो लेवल है हमारे साथ ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं, मेरा मानना है वीकली लेवल पे हम 50 तक जा सकते हैं यानी कि अभी भी गुंजाइश है 7-8% ड्रॉप देखने को मिल सकता है हमें आरएसआई लेवल पे, लेकिन जो उसके बाद जो मूव होगा दोस्तों वो डेफिनेटली ऊपर की तरफ ही होगा बिटकॉइन का भी एंड वो ऑब्वियसली हो सकता है कि धीरे धीरे हो, जैसा भी जैसा 2012-13 के डॉ जैसे 2012-13 के पाई साइकिल टॉप रीच होने के बाद लगभग 4 महीने 5 महीने जो था डाउन ट्रेंड कह सकते हो या फिर साइडवेज एक्शन कह सकते हो जारी था बिटकॉइन का, क्या इतना लंबा डाउन ट्रेंड होगा इस बार का? मेरा मानना है दोस्तों नहीं, ऐसा नहीं होगा, लेकिन हाँ आने वाले 1-1.5 महीने हम शायद इसी जोन में ट्रैवल करते रहे एंड जो व्हाइट डॉटेड लाइन है जो ऊपर का लेवल अब हमारा जो है अभी फिलहाल जो बना हुआ है लगभग 67,000 के आसपास वो जो है अब हमें रेजिस्टेंस देगा, तो इतना आसान नहीं होगा। पहली बात तो ये हर एक लेवल अभी से रेजिस्टेंस देगा एंड मेरा मानना है ये जो है साइडवेज एक्शन लेते हुए धीरे धीरे करके ही हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा बिटकॉइन के चार्ट पे एंड इस ड्यूरेशन में ऑल्ट कॉइन बहुत तेजी से ग्रोथ देख पाएगा, इस ड्यूरेशन में ऑल्ट कॉइन जो है काफी तेजी से ग्रोथ दिखाएगा आने वाले दिनों में। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इथीरियम के बीटीसी चार्ट पे। इथीरियम के बीटीसी चार्ट पे जी हाँ, कल वापस से हमने जो है मूव दिखाया शार्प एंड लगभग 7% का अपवर्ड मूव दिखाया इथीरियम ने बीटीसी चार्ट पे एंड अल्टीमेटली हम वही लेवल जो है रिटेस्ट कर रहे हैं जो हमारा रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। मेरा मानना है आज एंड कल मैक्सिमम 2 या 3 दिन और जो है इस लेवल पे हम रह सकते हैं एंड उसके बाद जो हमारा मूव होगा वो लगभग लगभग 0.066 BTC की तरफ होगा पर इथीरियम दोस्तों। तो गाइज अगर अभी तक आपने एंट्री नहीं लिया, इथीरियम में आपको बेस्ट एंट्री का टाइम मिल रहा है एंड कहीं ना कहीं ये जो इथीरियम का ब्रेकआउट होगा यहाँ से आने वाले टाइम में दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा आने वाले कुछ ही वीक्स में दोस्तों। तो अगर आप अभी तक इथीरियम में एंट्री नहीं लिए हो
और अभी तक सोच रहे हो एंट्री लेने का, तो जी हाँ बेस्ट टाइम है एंट्री लेने का, क्योंकि इथेरियम का चार्ट बहुत ही बुलिश है, स्पेशली बिटकॉइन के चार्ट पे। यूएसडी चार्ट की बात करूँ, यूएसडी के चार्ट पे ऑब्वियसली सब कुछ डिपेंड करता है बिटकॉइन का प्राइस क्या है एंड इथेरियम बीटीसी चार्ट पे कैसा ग्रोथ दिखा रहा है। कल के दिन हम काफी नीचे चले गए थे लेकिन वापस से इथेरियम ने 7% का ग्रोथ दिखाया एंड अल्टीमेटली बिटकॉइन नीचे जा रहा था, तो कुल मिला के जो अपवर्ड मोमेंटम की बात करूँ तो 5% का अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिला यूएसडी ग्राफ पे। लेकिन आज जो है बिटकॉइन के बढ़ जाने के बाद वापस से लगभग 5.5% का उछाल अभी तक देखने को मिल रहा है हमें। एंड मेरा मानना है दोस्तों यहाँ पे साइडवेज एक्शन जारी रहेगा अनलेस अनटिल जैसे ही आपको बिटकॉइन अनलेस अनटिल जैसे ही आपका इथेरियम बीटीसी चार्ट पे काफी तेजी से सर्च करता है दोस्तों। एंड जो अगला प्राइस रेंज होगा वो लगभग $3,000 के आसपास होगा इथेरियम का, और वो जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले 2 या 3 दिन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस लेवल के आसपास रीच हो। एंड ये याद रखना ये जो व्हाइट डॉटेड लाइन है इथेरियम के चार्ट पे वो काफी महीनों से हमें लगभग जनवरी ऑनवर्ड हमें रेजिस्टेंस दे रहा है। मेरा मानना इस बार जब हम ऊपर का लेवल टेस्ट करेंगे तो हम ब्रेकआउट करेंगे एंड इसके बाद काफी तेज जो है एक्सपोनेंशियली हमें इथेरियम बीटीसी के चार्ट पे तो ग्रोथ दिखाएगा ही, साथ साथ हमें डॉलर के चार्ट पे भी ग्रोथ दिखने साथ साथ डॉलर के चार्ट पे भी हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा दोस्तों। तो ये हो गया ओवरऑल बिटकॉइन इथेरियम आने वाले 24 आवर्स में क्या कर सकते हैं एंड ओवरऑल ऑल्टकॉइन का मार्केट क्या कैसा रहेगा दोस्तों। इसके अलावा कोई भी चेंजेस होगा तो मैं सबसे पहले आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप पे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे वेबसाइट cryptoinsider.com पे जाओगे एंड वहाँ पे फेसबुक टेलीग्राम ट्विटर एंड यूट्यूब के जितने भी ऑफिशियल लिंक है वो सारा कुछ यहाँ पे मेंशन है, आप इनको फॉलो कर सकते हो। एंड इसके अलावा जो वेबसाइट पे लॉग इन करके अलग अलग जो पॉइंट्स है उनके टारगेट जोन को और मेरा जो प्राइस प्रेडिक्शन है उसे भी देख सकते हो। धीरे धीरे करके मैं ट्राई करूंगा कि आने वाले दिनों में मैं एक एक करके मैक्सिमम पॉइंट्स इस पर कवर करूँ एंड अगले अगले 4-5 दिन में कोशिश रहेगी कम से कम 5-10 कॉइन और मैं ऐड करूं सो दैट जो भी डिले हुआ है ड्यू टू हेल्थ इश्यूज दोस्तों उसको कंपनसेट किया जा सके। एंड साथ ही साथ दोस्तों अभी मैं कुछ दिनों से आप लोग के क्वेरीज नहीं ले रहा हूँ, लाइव क्वेरी नहीं लिया हूँ एंड ना ही मैं आप लोग के कमेंट्स का आंसर दे पा रहा हूँ, तो दोस्तों माफ करना। एंड 1-2 दिन और आप डिले एक्सपेक्ट कर सकते हो इन दो सिनारियों में एंड बाकी के जितने भी अपडेट्स होंगे आप जल्दी जल्द मैं वेबसाइट पे आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा। एंड इसके अलावा कोई भी चेंजेस होगा डेफिनेटली मैं ट्विटर एंड टेलीग्राम पे सबसे पहले अपडेट करूंगा। गाइज याद रखना रिकमेंडेशन वाला जो सेक्शन है उसको विजिट करना मत भूलना एंड अगर अभी तक आपने बाइनेंस पे अकाउंट नहीं बनाया तो जाके जरूर बना लो। एंड जो बाइनेंस है और बड़े बड़े एक्सचेंजेस है वहां से नोटिस आने शुरू हो चुके हैं, स्पेशली जो हाई वॉल्यूम ऑफ रजिस्ट्रेशन है उसकी वजह से दोस्तों हो सकता है आने वाले दिनों में हो सकता है बाइनेंस जो है रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दे। तो मेक श्योर करना कि इस लिंक के थ्रू या फिर इस रेफरल कोड को यूज करके डेफिनेटली अकाउंट बना लेना, चाहे आप ट्रेडिंग करना चाहते हो फिलहाल या नहीं करना चाहते हो। ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट में आपको ये ऑप्शन ही चला जाए एंड लास्ट मोमेंट में आप रजिस्ट्रेशन करने बैठो एंड ऑप्शन ही चला जाए या फिर केवाईसी में काफी डिले लग जाए। तो मेक श्योर करना कि बाइनेंस पे रजिस्ट्रेशन कर लेना, वजीरएक्स पे जरूर रजिस्ट्रेशन कर लेना एंड जो इनके ऊपर जो भी एडवांटेज लिखा हुआ है ट्रेडिंग फी पे वो आपको जरूर मिलेगा मेरे रेफरल कोड के थ्रू। एंड साथ ही साथ दोस्तों अगर आप इससे रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरा जो बेसिक ट्रेडिंग फंडामेंटल का प्लेलिस्ट है वीडियो का वो जाके जरूर देख लेना, उसमें सारा कुछ डिटेल में समझा रखा है विद डेमो। एंड इसके अलावा आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो बाकी के जो रेफरल लिंक है वो भी आप विजिट कर सकते हो। एंड गाइस सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो स्टेटस अपडेट करना शुरू कर दो वापस से, मेरा मेरा मकसद यही था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस पोर्टफोलियो स्टेटस के थ्रू मैं उनके जो फीडबैक है वो मैं अब उनका जो फीडबैक है पोर्टफोलियो का वो मुझ तक पहुंच सके एंड सही टाइम पे मैं एक्ट कर सकूं। तो गाइज आपने अभी तक पोल में पार्टिसिपेट नहीं किया, बहुत सिंपल है कैसे करना, सारा कुछ डिटेल में समझा रखा है। बीटीसी के टर्म में आपको अपना पोर्टफोलियो बताना कि कितने गुना हुआ है एंड साथ ही साथ आपने अगर आपने ऑलरेडी वोटिंग कर रखा है तो मेक श्योर करना कि अपडेट जरूर करो, चाहे आपका पोर्टफोलियो घट रहा हो या बढ़ रहा हो उसका रीजन है दोस्तों। जैसे 10x या 10x वालों की संख्या 100 या 100 से ऊपर होगा दोस्तों, वैसे ही मैंने जो 480% जिन्होंने भी स्टार्टिंग के डेज में इस पोल में पार्टिसिपेट करके कंफर्म किया था उन लोगों तक जल्द से जल्द मैं ट्राई करूंगा। जैसे ही ये टारगेट रीच हो मैं आप लोगों को मेल के थ्रू जो भी सरप्राइज एलिमेंट्स है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आप चाहते हो कि आप लोगों तक जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन पहुंचे तो मेक श्योर करना कि पोर्टफोलियो स्टेटस चाहे घट रहा हो या बढ़ रहा हो जो भी स्टेटस है बीटीसी के टर्म में वो आप जरूर अपडेट करना दोस्तों। तो फिलहाल के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।